झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा का दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। हेमंता बिस्वा सरमा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली को सफल बनाने को लेकर के कई टिप्स देते नजर आए। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत बिस्वा सरमा के मार्गदर्शन पर झारखंड के सभी सीटों पर बीजेपी इस समय परचम लहराएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, जो इस बार जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनका 5 साल कार्यकाल अब पूरा होने को है, लेकिन इन्होंने जितने भी वादे किए उसमें इन्होंने हमें पूर्ण तरीके से फेल्योर रहा है इनका वादा। जैसे कि जो 5 लाख रोजगार युवाओं को देने का बात थी, और फिर 5,000 या 7,000 कुछ भत्ता भी जो बेरोजगार युवाओं को जो देने की बात थी, और बहुत सारे ऐसे हैं कार्य है जिन्होंने जिसमें वो अपना वादा जो किया था वो पूरे तरीके से फेल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी किसी भी तरह का कोई भी 5 साल पूरा होने को है लेकिन एक भी एग्ज़ाम जो है वो एक भी सफल नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ हमेशा आया ही है कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया या तो फिर पेपर लीक हो गया। इनके समय में कोई भी काम जो है वो सफल नहीं रहा, हमेशा ये फेल्योर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा और के नेतृत्व में आप देखेंगे 23 तारीख को युवाओं का आक्रोश रैली निकलना है मोराबादी मैदान में, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है इसका पूरा जो कथा लिखा जाएगा वो युवाओं के द्वारा लिखा जाएगा। हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से युवाओं को छला है उसका पूरा एक एक चीज़ का हिसाब झारखंडी युवा लेगा। हेमंत सोरेन ने 5 लाख रोजगार का वादा किया, हम 25 लाख रोजगार 5 साल में होते हैं, मैं उनका हिसाब उनसे मांगना है हमें। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, उनसे बेरोजगारी भत्ता का भी हिसाब युवा लेगा। तो आप समझिए कि झारखंडी युवा हेमंत सोरेन जी से एक एक चीज़ का हिसाब, जितना उनको बरगलाना था ठगना था, ये मुख्यमंत्री ठगे। इनसे पहले चंपई सोरेन ने ठगने का काम किया, क्योंकि ना इनकी नीयत में खोट है, इनको किसी को रोजगार देना नहीं था, लगातार बरगला। अभी इनका एक नया जुमला है आप देख रहे होंगे, महिलाओं के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है मैया योजना, आप उसको पढ़िए फॉर्म को, सीधा सीधा उस फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि 2024 दिसंबर है, 2024 में इलेक्शन है, आप ऐसा कैसे दीजिएगा किसी को। तो सीधा सा इस सरकार का इंटेंशन हर झारखंडी को ठगना है।